नमस्ते और नॉलेज रडार में आपका स्वागत है, चैनल जहां हम शिक्षा, प्रौद्योगिकी और समाज में नवीनतम और सबसे दिलचस्प विषयों का पता लगाते हैं। आज के वीडियो में हम भारत में विषय विशेषज्ञ नौकरियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमारे भविष्य के वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबा दिया है। और यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो एक विषय वस्तु विशेषज्ञ क्या है और वे क्या करते हैं? विषय वस्तु विशेषज्ञ या SME वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशिष्ट डोमेन या क्षेत्र में गहरा ज्ञान और विशेषज्ञता होती है। उन्हें अक्सर विभिन्न संगठनों द्वारा उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सामग्री निर्माण या समस्या समाधान प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, गणित में एक विषय विशेषज्ञ छात्रों को उनके संदेहों में मदद कर सकता है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम बना सकता है, पाठ्यपुस्तकें लिख सकता है या जटिल समीकरणों को हल कर सकता है। भारत में विषय विशेषज्ञ नौकरियों की अत्यधिक मांग है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण और ज्ञान साझा करने की आवश्यकता बढ़ रही है। वेब खोज परिणामों के अनुसार अक्टूबर 2023 तक भारत में 5000 से अधिक विषय विशेषज्ञ नौकरियां उपलब्ध हैं। ये नौकरियां गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य जैसे विभिन्न विषयों में फैली हुई हैं। भारत में विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करने वाली शीर्ष कंपनियों में से कुछ हैं चेग इंडिया, ट्रिवियम एजुकेशन सर्विसेज, स्ट्राइव, ज्ञानोहम लर्निंग और ट्यूटरविन। विषय वस्तु विशेषज्ञ नौकरियों के लिए पात्रता मानदंड और वेतन सीमा कंपनी, विषय और विशेषज्ञता के स्तर के आधार पर भिन्न होती है। हालांकि कुछ सामान्य आवश्यकताएं हैं: एक, संबंधित विषय में स्नातक या मास्टर डिग्री। दो, योग्यता परीक्षा में न्यूनतम CGPA या अंकों का प्रतिशत। तीन, विषय और उसकी अवधारणाओं पर मजबूत पकड़। चार, अच्छा संचार और लेखन कौशल। पाँच, पढ़ाने और सीखने का जुनून। छह, एक लचीला और अनुकूलनीय रवैया। भारत में विषय वस्तु विशेषज्ञ नौकरियों के लिए वेतन सीमा उम्मीदवार के अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर 10,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति माह या इससे अधिक हो सकती है। कुछ कंपनियां विषय विशेषज्ञ द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर प्रोत्साहन और बोनस भी प्रदान करती हैं। भारत में विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में काम करने के लाभ हैं। एक, आप इंटरनेट कनेक्शन के साथ घर से या कहीं भी काम कर सकते हैं। दो, आप अपने काम के घंटे और शेड्यूल खुद चुन सकते हैं। तीन, आप नई चीजें सीखकर अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। चार, आप छात्रों और शिक्षार्थियों को उनके शैक्षणिक लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं। आप जो पसंद करते हैं उसे करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। यदि आप भारत में विषय विशेषज्ञ नौकरियों के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं तो आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। एक, इंडीड, ग्लासडोर या लिंक्डइन जैसे विभिन्न जॉब पोर्टल पर विषय विशेषज्ञ नौकरियों की खोज करें। दो, नौकरी विवरण को ध्यान से पढ़ें और पात्रता मानदंड की जाँच करें। तीन, अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपना बायोडाटा और कवर लेटर तैयार करें। चार, आवेदन पत्र भरकर या ईमेल भेजकर नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। पाँच, नियोक्ता से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार या परीक्षण में भाग लें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपने भारत में विषय वस्तु विशेषज्ञ नौकरियों के बारे में कुछ नया और उपयोगी सीखा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया उन्हें नीचे छोड़ें और अधिक जानकारीपूर्ण और आकर्षक वीडियो के लिए नॉलेज रडार की सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।